हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है फूड कुचोर में। मैं हूं चेतना पटेल और आज मैं आपके और आपके बच्चों के लिए लेके आई हूं हॉट चॉकलेट स्टरर। इसे बनाना बहुत आसान है और घर में मिलते इंग्रेडिएंट्स से नहीं बनेगा, तो चलो बनाना शुरू करते हैं। हॉट चॉकलेट स्टरर बनाना बहुत आसान है और ये जो चॉकलेट स्टरर है आप इसे बना के फ्रिज में भी रख सकते हैं। इवन आप एक बार अच्छे से सेट हो जाने के बाद आप इसे बाहर भी स्टोर कर सकते हैं। इवन कोई भी फेस्टिवल हो, जैसे रक्षाबंधन हो, दिवाली हो या क्रिसमस हो, तो आप किसी को भी गिफ्ट भी कर सकते हैं। और ये दिखने में बहुत अच्छा लगता है और टेस्ट में भी बहुत ही टेस्टी है। हॉट चॉकलेट स्टरर बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए चॉकलेट। आप चॉकलेट कोई भी कंपनी की ले सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने चॉकलेट लिया है। आप चॉकलेट कोई भी कंपनी की ले सकते हैं, तो यहाँ पे मैं मिल्क चॉकलेट ले रही हूँ। तो सबसे पहले हम बनाएंगे चॉकलेट वॉलनट ब्राउनी स्टरर। तो इसके लिए यहाँ पे मैं मिल्क चॉकलेट ले रही हूँ। आप मिल्क की जगह डार्क भी ले सकते हैं, आप वाइट भी, आपको जो भी चॉकलेट पसंद है आप ले सकते हैं। यहाँ पे मैं मिल्क चॉकलेट ले रही हूँ क्योंकि मिल्क चॉकलेट और ब्राउनी का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे मैं 125 ग्राम मिल्क चॉकलेट ले रही हूँ। तो आप जब भी बाहर से 500 ग्राम का स्लेब लाते हैं तो इसमें इस टाइप का 500 ग्राम में चार मीन्स इस टाइप के ब्लॉक्स रहते हैं, तो इसमें से मैं एक ब्लॉक यूज़ कर रही हूँ, बाकी का मैं दूसरी चॉकलेट में यूज़ करूँगी। तो अब इसे मैं क्या करती हूँ, चॉप कर लेती हूँ। तो इस तरह से इसे चॉप करना है। अब मैं क्या करूँगी, इसे मैं माइक्रोवेव कर लेती हूँ 30 सेकंड के लिए। मैं दो बार माइक्रोवेव करूँगी तो ये अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। अभी मैं 30 सेकंड के लिए माइक्रो कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने 30 सेकंड के लिए दो बार माइक्रो किया था। तो आपको जब भी आप चॉकलेट मेल्ट कर रहे हैं, अगर थोड़ी क्वांटिटी हो तो 30 सेकंड के लिए आप माइक्रोवेव करो और इसके बाद बाहर निकाल के इसे अच्छे से मिक्स करो। अगर थोड़ा सा चॉकलेट मेल्ट नहीं होता है ऐसा लगे, तो वापस आप 10 या 20 सेकंड के लिए रख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं चॉकलेट हमारी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है और इसे अच्छे से मिक्स करना बहुत ज़रूरी है। तो आप देख सकते हैं चॉकलेट हमारी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इसमें मैं ब्राउनी को मैंने क्रम्बल करके लिया है। तो यहाँ पे मैं 1/4 कप ब्राउनी क्रम्बल ले रही हूँ। अगर 125 ग्राम चॉकलेट है तो इसके सामने 1/4 कप आपको क्रम्बल करके ब्राउनी लेना है। अगर आपके पास ब्राउनी नहीं है तो आप इसकी जगह चॉकलेट स्पंज भी ले सकते हैं, इसे भी क्रम्बल करके ले सकते हैं। तो एक क्रम्बल मैं इसमें डाल देती हूँ और थोड़ा सा मैं गार्निशिंग के लिए यूज़ करूँगी। और इसी के साथ मैं इसमें चॉप करके वॉलनट्स भी ले रही हूँ, ये भी मैं 1/4 कप ले रही हूँ। तो आधा मैं इसमें डाल देती हूँ और आधा मैं गार्निशिंग के लिए यूज़ करूँगी। और इसे हल्के हाथ से मिक्स करना है। इस टाइप के कप इजीली मार्केट में मिल जाते हैं, जो चाय इसमें हम लोग अक्सर पीते हैं, तो इस टाइप का आप कप ले सकते हैं। इसकी जगह आप मफिन का जो लाइनर आता है वो भी ले सकते हैं, मीन्स मफिन का जो पेपर कप आता है वो भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ये वाला ले रही हूँ। और अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर चॉकलेट डाल देते हैं। यहाँ पे मैंने मिल्क चॉकलेट लिया है, अगर आपको बीटर पसंद हो तो आप डार्क चॉकलेट भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपको 3/4 कप भरना है। दूसरा तैयार कर लेती हूँ। तो इसमें से टोटल 3 कप रेडी होंगे। अगर 125 ग्राम चॉकलेट लेते हैं तो 3 कप हमारे रेडी होंगे। ये 3 कप हमारे रेडी हैं। अब मैं क्या करूँगी, इसे टैप कर लेती हूँ इस तरह से, ताकि इसमें एयर बबल्स हो, सारे निकल जाए। के ऊपर ब्राउनी क्रम्बल डाल देते हैं। दूध, चॉकलेट, ब्राउनी और वॉलनट्स का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है, तो ये वाला जो हॉट चॉकलेट मिल्क होगा वो बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो इस तरह से आपको ब्राउनी अंदर डाल देना है। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर वॉलनट्स रख देते हैं। ऐसे बच्चे वॉलनट्स नहीं खाते हैं, पर आप इस तरह से
बच्चों को खिला सकते हैं। जस्ट थोड़ा सा मैं इस तरह से कर लेती हूँ। और यहाँ पे मेरे पास वुडन की स्पून है, तो मैं इसके अंदर रख देती हूँ। और इसे नॉर्मल रेफ्रिजरेटर में आप एक घंटे के लिए फ्रीज में सेट करने के लिए रख देंगे तो चलेगा। अगर आप डीप फ्रीज कर रहे हैं, आपको जल्दी करना हो, तो आप डीप फ्रीज में इसे 15-20 मिनट के लिए छोड़ देंगे तो भी हो जाएगा, सेट हो जाएगा। तो इसे मैं फ्रीज में सेट करने के लिए रख देती हूँ। अब हम बना लेते हैं रसमलाई स्टारर, जो सबका फेवरेट रहता है, मीन्स बच्चों और बड़ों दोनों को ये बहुत ही अच्छा लगेगा और एकदम रिच फ्लेवर का ये स्टारर बनेगा। तो यहाँ पे मैंने 125 ग्राम व्हाइट चॉकलेट लिया हुआ है और इसे मैंने 30 सेकेंड के लिए माइक्रो किया है। आपको खास ध्यान रखना है, व्हाइट चॉकलेट जो है इसे खुला नहीं छोड़ना है, आपको अच्छे से पैकिंग करके रखना है। जब भी आप व्हाइट चॉकलेट मार्केट से लाते हैं तो आप इसकी डेट ज़रूर देखें, अगर पुरानी होगी तो ये चॉकलेट अच्छे से मेल्ट नहीं होगी, तो वो आपको खास ध्यान रखना है। और जितना चाहिए उतना चॉकलेट लेके बाकी का आपको क्लीन फिल्म में पैक करके, या तो अच्छे से पैक करके या जिप्लॉक वाली बैग में भर के स्टोर करें और इसे बाहर ही रखना है। कोई भी चॉकलेट आपको फ्रिज में नहीं रखना है, जितनी ज़रूरत है उतना लेके बाकी का अच्छे से पैक करके बाहर ही रखें, मीन्स स्टोर करें। तो आप देख सकते हैं चॉकलेट हमारी वाइट अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। मैंने सिर्फ 30 सेकेंड के लिए ही माइक्रो किया है तो भी ये अच्छे से मेल्ट हो चुकी हैं। अब हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स डाल देते हैं। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1 टीस्पून पिस्ता का पाउडर। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने रफली क्रश करके लिया हुआ है, एकदम फाइन पाउडर नहीं बनाना है। और इसी के साथ मैं इसमें ले रही हूँ 1 टीस्पून आलमंड का पाउडर और 1/4 टीस्पून आपको इलायची पाउडर डालना है। अगर आपके पास रसमलाई फ्लेवर का एसेंस है तो आप इसमें 1 या 2 ड्रॉप्स डाल सकते हैं। और इसी के साथ मैं इसमें कलर भी डाल देती हूँ। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ येलो कलर और यहाँ पे मैं पाउडर कलर यूज़ कर रही हूँ, तो जस्ट पिंच इसमें हम येलो कलर डालेंगे। और अब हम क्या करेंगे, इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। कलर डालना टोटली ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप डाल सकते हैं, नहीं डालेंगे तो भी चलेगा। हमने यहाँ पे रसमलाई का नाम दिया हुआ है तो हम एग्जैक्ट कलर वैसा ही करेंगे। यहाँ पे मैं ले रही हूँ जस्ट पिंच केसर और इसे मैं हाथ से इसे तोड़ के ले रही हूँ। ये केसर है, ये हम जब मिल्क में डालेंगे, मीन्स गर्म दूध में डालेंगे, तो इसका जो फ्लेवर है वो अच्छे से आ जाएगा। तो ये वाला भी मिक्सचर हमारा रेडी है और मैं इसे ग्लास में भर देती हूँ। तो ऐसे ही तीसरा ग्लास भी मैं भर देती हूँ। अब मैं ग्लास के ऊपर रफली क्रश करके पिस्ता डाल देती हूँ। तो ऐसे ही तीनों ग्लास में इस तरह से मैं रख देती हूँ। और इसके ऊपर मैं जस्ट फ्यू सेफ्रॉन मीन्स केसर रख देती हूँ और इसके ऊपर मैं ये स्पून रख देती हूँ। इसके ऊपर मैं फाइनली चॉप करके थोड़ी सी रोज पेटल भी डाल देती हूँ। तो ये भी स्टरर हमारा रेडी है, इसे मैं फ्रिज में सेट करने के लिए रख देती हूँ। अब हम बना लेते हैं कॉफ़ी नटेला स्टरर, जो बच्चों और बड़ों दोनों को ये बहुत ही अच्छा लगेगा। तो इसके लिए हमें चाहिए चॉकलेट, आप चॉकलेट कोई भी ले सकते हैं, हम इस डार्क भी ले सकते हैं, मिल्क भी ले सकते हैं, पर ये वाला जो स्टरर है वो वाइट चॉकलेट में अच्छा नहीं लगेगा। या तो आप ऐसा करें दोनों चॉकलेट आधी आधी ले तो भी चलेगा, या आप सिर्फ मिल्क से बनाए या सिर्फ आप डार्क से बनाएंगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पे मैंने दोनों चॉकलेट लिया हुआ है और दोनों मैंने हाफ हाफ लिया है, तो ये दोनों मिला के 125 ग्राम है। तो
तो इसे मैं 30 सेकेंड के लिए माइक्रोवेव कर लेती हूँ। चॉकलेट हमारी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है, अब हम क्या करते हैं इसमें नटेला ले लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं 1 टेबल स्पून नटेला ले रही हूँ, ये सबका फेवरेट होता है और बहुत ही टेस्टी लगता है हॉट चॉकलेट मिल्क में। तो नटेला का प्रपोर्शन आप थोड़ा सा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने करीबन 1.5 टेबल स्पून जितना लिया होगा, और इसी के साथ मैं इसमें कॉफ़ी डाल रही हूँ। कॉफ़ी, नटेला और चॉकलेट का कॉम्बिनेशन ही बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पे मैं 1/2 टीस्पून कॉफ़ी ले रही हूँ। कॉफ़ी आपको कोई भी इंस्टेंट ले सकते हैं, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये मिक्सचर हमारा रेडी है, इसे भी मैं ग्लास में भर लेती हूँ। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर रोस्टेड मैं हेजलनट रख देती हूँ। आप चाहे तो अंदर भी हेजलनट डाल सकते हैं। अभी हम ये स्पून रखेंगे तो वो हिल जाएगा, तो अभी मैं नहीं रख रही हूँ। इसे आधा सेट होने देंगे और इसके बाद हम रखेंगे। अब मैं इसे फ्रिज में सेट करने के लिए रख देती हूँ। अब हम बना लेते हैं 3-लेयर हॉट चॉकलेट स्टारर। तो इसके लिए यहाँ पे मैं 3 टाइप की चॉकलेट यूज़ करूँगी। तो यहाँ पे मैंने लिया है मिल्क चॉकलेट, डार्क चॉकलेट और वाइट चॉकलेट, ये तीनों चॉकलेट लिया है, और ये तीनों मैंने 75 ग्राम लिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं मिल्क चॉकलेट को माइक्रोवेव कर लेती हूँ 30 सेकेंड के लिए। तो यहाँ पे मैंने 30 सेकेंड के लिए 2 बार माइक्रो किया था। तो चॉकलेट हमारी प्रॉपर मेल्ट हो चुकी है, अब हम क्या करते हैं ग्लास के अंदर भर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसे फ्रीज में सेट करने के लिए रख देते हैं। हाफ सेट हो जाए, इसके बाद हम दूसरा लेयर करेंगे। तो इसे मैं फ्रीज में सेट करने के लिए रख देती हूँ। यहाँ पे मैंने 75 ग्राम डार्क चॉकलेट लिया है, इसे भी मैं माइक्रोवेव कर लेती हूँ। हमने जो कॉफ़ी नटेला स्टारर बनाया था वो भी सेट होके रेडी है, मीन्स 100% सेट नहीं हुआ है, जस्ट थोड़ा सा सेट होने के बाद ही करना है, तब जाके एक जो स्पून है वो इस तरह से जाएगी, अदरवाइज नहीं जाएगी। तो इसे वापस हम फ्रिज में सेट करने के लिए रख देते हैं। यहाँ पे चॉकलेट हमारी सेट हो चुकी है, मीन्स 100% सेट नहीं करना है, जस्ट थोड़ा कम ही सेट करना है। और इसे मैंने 12 से 13 मिनट के लिए सेट करने के लिए रखा था। अब हम क्या करते हैं, इसके ऊपर मेल्टेड डार्क चॉकलेट में रख देती हूँ। जस्ट इसे थोड़ा सा टैप कर देते हैं इस तरह से। आपको जो भी चॉकलेट ज़्यादा पसंद हो, इसका जो लेयर है वो मोटा भी रख सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से चॉकलेट का प्रपोर्शन, कोई भी चॉकलेट का प्रपोर्शन कम या ज़्यादा कर सकते हैं। वापस मैं इसे फ्रिज में सेट करने के लिए रख देती हूँ। ये वाला लेयर भी हमारा सेट हो चुका है, इसके ऊपर वाइट चॉकलेट रख देते हैं। आप कोई भी लेयरिंग, कोई भी कलर चॉकलेट का कर सकते हैं। मुझे वाइट चॉकलेट थोड़ा कम पसंद है, इसलिए मैं ये वाला जो लेयर है वो कम कर रही हूँ। तो वापस इसे हल्का सा टैप कर लेते हैं। पहले मैं स्पून रख देती हूँ। और अब मैं चॉकलेट चिप्स रख देती हूँ। यहाँ पे मेरे पास डबल शेडेड वाली चॉकलेट है, अगर आपके पास प्लेन हो तो भी रख सकते हैं। ये भी रेडी है, इसे भी मैं फ्रिज में सेट करने के लिए रख देती हूँ। तो चारों फ्लेवर के हॉट चॉकलेट स्टरर हमारे रेडी है, तो इसे कप में से निकाल देते हैं। तो सबसे पहले हमने चॉकलेट वॉलनट ब्राउनी स्टरर बनाया था, तो जस्ट इस तरह से टर्न करना है और ईजिली ये निकल जाता है। तो आप देख सकते हैं हमारा हॉट चॉकलेट स्टरर रेडी है, कितना प्यारा लग रहा है। और ये बहुत इजीली निकल जाता है। इसके बाद हमने बनाया था रसमलाई हॉट चॉकलेट स्टरर, तो इसे भी कप में से निकाल देते हैं। आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है, और दिखने में भी बहुत ही अच्छा लगता है, और इतना ही टेस्ट में भी बहुत ही टेस्टी लगता है। इसे भी प्लेट में रख देते हैं।
और इसके बाद हमने बनाया था कॉफ़ी नटेला हॉट चॉकलेट स्टर, तो ये भी हमारा रेडी है, तो इसे भी मैं प्लेट में रख देती हूँ। और लास्ट में हमने बनाया था ट्रिपल लेयर हॉट चॉकलेट स्टरर, देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। तो ये चारों फ्लेवर के हॉट चॉकलेट स्टरर हमारा रेडी है। अब मैं इसे दूध में डाइल्यूट करके भी बता देती हूँ, तो इसके अंदर मैं दूध डाल देती हूँ। और इसे मैं इसके अंदर डाल देती हूँ और इसे बस इस तरह से स्टर करना है। और यहाँ पे मैंने दूध गर्म लिया है, दूध गर्म करके आपको इस तरह से स्टर करना है, तो इजीली मेल्ट हो जाता है, क्योंकि दूध की गर्मी से ये इजीली चॉकलेट मेल्ट हो ही जाती है। आपको इस तरह से कंटिन्यू स्टर करना है, या आप ऐसा भी कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए छोड़ दें और इसके बाद आप इसे इस तरह से स्टर करेंगे तो भी ये इजीली मेल्ट हो जाता है और ये जो दूध है बहुत ही टेस्टी बनता है। आपको चीनी एक्स्ट्रा इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ दूध गर्म करना है और इसके अंदर इस तरह से आपको स्टर करना है। तो देख सकते हैं हॉट चॉकलेट स्टरर हमारा रेडी है। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। हमें आपकी कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा और एक रेसिपी के साथ हम वापस आएंगे, तब तक के लिए हैप्पी कुकिंग।